हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे लिप रिडक्शन सर्जरी के बारे में। हाय, आई एम डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट की क्वेरी रहती है कि लिप रिडक्शन सर्जरी क्या होती है, कैसे किया जाता है। तो बेसिकली जो लिप रिडक्शन सर्जरी करते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों के जो लिप के साइज होते हैं वो बड़े होते हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप के साइज बड़े होने के काफ़ी सारे कारण हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है या एलर्जी होती है किसी मेडिसिन से, तो लिप के साइज़ बढ़ जाते हैं। तो उसमें वेट एंड वॉच करना होता है, जिससे लिप का साइज़ घट जाता है। पर अगर किसी को जन्मजात लिप के साइज़ बढ़े हुए हैं, या किसी कोई हेमंजियोमा है, कोई वेस्कुलर मालफॉर्मेशन है, तो उसमें वेस्कुलर मालफॉर्मेशन की सर्जरी करते हैं। और किसी किसी को लिप की हाइपरट्रॉफी होती है या साइज़ थोड़ा बड़े होते हैं, तो उसमें लिप रिडक्शन सर्जरी करते हैं। और किसी किसी पेशेंट में लिप का जो साइज़ होता है वो भी बढ़ाना होता है, तो उसमें लिप फिलर भी डालते हैं, तो जिससे लिप का साइज़ बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में आजकल एडवांस जो टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें लिप का साइज़ भी घटाते हैं और लिप का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली जो अगर जमजात अगर किसी का लिप का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें लिप रिडक्शन सर्जरी करते हैं, जिससे लिप के साइज़ को घटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो स्कार मार्क रहता है वो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो बेसिकली जो लिप का स्कार होता है, जो सामने का जो लिप होता है ड्राई वर्मिलियन होता है, ड्राई लिप होता है जिसको बोलते हैं, और अंदर का जो होता है वेट होता है। तो जो इंसिजन दिया जाता है अंदर की तरफ दिया जाता है, फिर उसमें घुलने वाले टाके लगा देते हैं, जिससे जो स्कार मार्क होता है वो दिखाई नहीं देता है। क्योंकि अगर वेट लिप में अगर कोई भी इंसिजन देते हैं, तो स्कार मार्क दिखाई नहीं देता और काफ़ी मिनिमम आता है टाइम के साथ। तो जो लिप रिडक्शन सर्जरी करते हैं वो अपर लिप में भी करते हैं और लोअर लिप में करते हैं, वो देखना पड़ता है, एग्जामिन करके पता चलता है कि किसमें कौन सी सर्जरी करनी है कि नहीं करनी है। जो लिप रिडक्शन सर्जरी करते हैं उसमें अंदर की तरफ इंसिजन रहता है, तो जो इंसिजन मार्क है वो दिखाई नहीं देता है टाइम के साथ। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो लिप रिडक्शन सर्जरी है वो किस एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। तो बेसिकली लिप रिडक्शन जो सर्जरी होती है वो लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। एक नमनेस जो इंजेक्शन होता है वो देते हैं, और लिप रिडक्शन सर्जरी किया जा सकता है लोकल एनेस्थीसिया में। किसी किसी पेशेंट को क्या होता है कि सुइयां होती हैं उनसे डर लगता है, किसी किसी पेशेंट को सर्जरी से डर लगता है, तो उस कंडीशन में जनरल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो सर्जरी है कितने देर में की जाती है। तो बेसिकली एक लिप करने में करीब 30 मिनट का टाइम लगता है, दोनों तरफ का करने में करीब एक घंटे का टाइम लग जाता है। और अगला क्वेश्चन फिर आता है कि जो टाँके होते हैं वो कितने दिन में कटवाना होता है। तो बेसिकली जो सूचर देते हैं वो घुलने वाले लगाते हैं, तो जिससे कि वो जो सूचर है वो कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो घुल जाते हैं टाइम के साथ। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो रिजल्ट है वो कितने दिन में हमको अच्छा मिल जाता है। तो बेसिकली जो सर्जरी करते हैं तो उसमें काफ़ी स्वेलिंग रहती है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक सूजन घट जाती है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आपका जो बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, सूजन थोड़ा सा लिप में रहेगा, जो सूजन रहेगा वो करीब 10 से 15 दिन तक रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे स्वेलिंग सबसाइड होती जाती है। फाइनल रिजल्ट मान सकते हैं कि 3 महीने तक करीब काफ़ी कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो आशा करते हैं कि जो हमारे व्यूअर हैं वो पूछते हैं कि लिप रिडक्शन सर्जरी क्या होती है और कैसे की जाती है, तो उनको जानकारी मिल गई होगी। हमारे चैनल में काफ़ी सारे वीडियो हैं कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड, तो आप जाके देख सकते हैं। तो लिप रिडक्शन सर्जरी जो कि लोकल एनेस्थीसिया में की जा सकती है, वो डे केयर सर्जरी होती है और उसमें कोई स्कार मार्क निशान नहीं आता है। तो इसमें आप सर्जरी करा के सेम डे जा भी सकते हैं, और जो इनिशियली थोड़ा स्वेलिंग रहेगी, टाइम साथ जो रिजल्ट है वो टाइम साथ इम्प्रूव होता जाता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।